सबका, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चिकन रोस्ट की रेसिपी। इसके लिए मैंने इस तरह से 1.5 किलो की ये मुर्गी है, मैंने इसमें डीप कट लगवा लिए हैं और उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। साथ साथ इसमें जाएंगे 1/2 कप दही, ये मैंने फेंट के रखा हुआ है। मसाला जात में आ जाते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने क्रश्ड चिलीज का लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मेरे पास 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्च है, ये कुटी हुई है, पिसी भी नहीं है। साथ में 1.5 टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है। नमक मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने ली है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1 टेबल स्पून हीप फुल यानी कि भर के मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें रेड फूड कलर जो आप बिरयानी के मसाले में भी ऐड करते हैं या बिरयानी में जो डालते हैं चावलों में, 1 टीस्पून भर के लिया है धनिया पाउडर। साथ में मैंने ले लिए हैं 4 लीमू, ये मैंने साइज दिखाने के लिए आपको भी इस तरह रखे हैं, इनका मैं जूस निकाल लूंगी। मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही, साथ में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में चले जाएंगे ये सारे मसाले, और ये जो 4 लीमू आपके सामने मैंने रखे थे उनका ही जूस निकाल लिया है, साथ में ये जाएगा लेमन जूस। इन सबको अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाला इक्वली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, और फिर हम इसमें चिकन को मैरिनेट करें। ये देखिए चिकन को मैंने इस बड़े से बर्तन के अंदर शामिल कर दिया है, अब इसे मैं अच्छे तरीके से इस मसाले को इसके अंदर लगाऊंगी। इसके जो डीप कट्स हैं मसाला उसके अंदर भी आपने लगाना है ताकि ये अंदर से जूसी रहे। मैंने ये कट्स जो हैं इसकी लेग पर भी लगवा लिए, अच्छे तरीके से आपने इसे सारे मसाले को इसके ऊपर लगा देना है, कोई भी पोर्शन आपने छोड़ना नहीं है। जी ये देखिए मैंने इस पे अच्छे से मसाला लगा दिया है, मसाला लगाने के बाद मैंने इसे एक बाउल में कन्वर्ट कर दिया है। साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मैं कुकिंग ऑयल इसमें शामिल सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि मैंने इसे ओवन में बेक करना है। अगर आपने इसको रोस्ट करना हो तेल में तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मैं इसमें मल दूँगी और इसको रख दूँगी 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि मसाला इसमें अच्छे से रच बस जाए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे इसका रिजल्ट ज़्यादा। मुझे इसे मैरिनेट किए हुए एटलीस्ट 8 आवर्स हो गए हैं, 8 घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट किया है, अब मैं इसको बेक करूँगी। साथ में अगर आप इसको इसी तरीके से बेक करेंगे तो चिकन ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो एक एलुमिनियम फॉइल इस तरह मैंने ली है, इसको मैं इस तरह से करके और इसको इस तरह पूरा रैप कर दूँगी, इसकी वजह से ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा। अच्छे से रैप कर दिया है और साथ में मैंने फॉर्क की मदद से यहाँ पर प्रिक कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें जितने भी मजीद जूसेस हैं वो भी एवोपरेट हो जाएंगे, ये जूसी भी रहेगा और ये ड्राई भी नहीं रहेगा। अब इसे प्री हीटेड ओवन में, क्योंकि मेरे पास गैस का ओवन है, प्री हीटेड ओवन में मैं इसे रखूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। जी तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त रोस्ट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।